अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एट बॉल पूल में स्पिन को कैसे यूज़ किया जाता है, स्पिन की कितनी अकसाम हैं, और ये सब आपको लाइव मैच में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि आपको एट बॉल पूल की स्पिन की टेक्निक सही से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर देखना है कि आपकी जो स्टिक है उसका लेफ़्ट और राइट आपने खुद से तयन कर लेना है कि वो क्या है। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड आ रही है और एक राइट साइड आ रही होती है। इसी तरीके से अगर आप इस टेबल की अपोजिट साइड पे अपनी स्टिक को रख के देखें तो स्टिक की जो लेफ़्ट साइड है वो टेबल की राइट साइड बन जाएगी, और जो स्टिक की राइट साइड है वो टेबल की लेफ़्ट साइड बन जाएगी। इसी तरीके से इस साइड के ऊपर भी आपने लेफ़्ट और राइट अपना देख लेना है कि स्टिक का लेफ़्ट और राइट क्या है। याद रखें, स्टिक का लेफ़्ट एंड राइट आपने देखना है, आपने टेबल का लेफ़्ट एंड राइट नहीं देखना है। तो ये अभी आपका लेफ़्ट एंड राइट आ गया। स्पिन की टाइप्स की बात करते हैं। स्पिन की टाइप्स में ये आपकी जो फर्स्ट टाइप पे है ये लेफ़्ट स्पिन कहलाती है, और इसी के ऑपोजिट साइड पे अगर राइट पे करें तो ये राइट स्पिन कहलाती है। आप अगर इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो ये टॉप स्पिन कहलाती है, और इसी की ऑपोजिट साइड पे आप नीचे की तरफ ले जाएं तो ये बैक स्पिन कहलाएगी। आपकी टॉप लेफ़्ट स्पिन कहलाती है इस साइड पर, इसके ऑपोजिट साइड पर अगर नीचे लेके जाएँ तो राइट बैक स्पिन इसको कहते हैं। इसी तरह ऊपर वाली साइड ये टॉप राइट स्पिन होती है, और इसकी ऑपोजिट साइड जो है ये टॉप लेफ़्ट बैक स्पिन कहलाती है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसके। आपने स्टिक की लेफ़्ट साइड पे करना है अपनी स्पिन को, और फुल फोर्स के साथ इसको देखें, ये लेफ़्ट साइड पे चला गया। इसी तरीके से आप लेफ्ट से जब राइट पे करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये बॉल जो है राइट साइड पे मूव करेगी। ये देखिए, राइट साइड पे मूव कर रही है। इसी तरीके से अगर इसकी अपोजिट साइड पे देखें, जैसे कि मैंने बताया था कि ये उलट होता है इसका, लेफ़्ट जो होगा वो राइट बन जाएगा और राइट जो होगा वो लेफ़्ट बन जाएगा। स्टिक का लेफ़्ट राइट सेम रहेगा, टेबल का लेफ़्ट राइट ख़राब होगा। इसी तरीके से आप अगर इसको अभी देखें राइट साइड पे मैं करता हूँ तो ये वैसे तो राइट साइड पे लग रहा है, लेकिन ये स्पिन होगी तो मूवमेंट इसकी लेफ़्ट साइड पे आएगी। ये टॉप लेफ़्ट स्पिन करके देख लेते हैं, थोड़ी सी मूवमेंट में चेंजेस हो जाएगी इसमें। स्पिन लेफ़्ट साइड पर ही होगा लेकिन उसकी मूवमेंट चेंज हो गई है। इसी तरीके से आप टॉप राइट साइड पे अगर स्पिन करते हैं तो इसकी मूवमेंट राइट साइड पर ही रहेगी लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी, बिल्कुल इस तरीके से। इसी तरह अगर हम इस पर बैक स्पिन लगा के देख लेते हैं, अभी राइट लेफ़्ट बैक स्पिन लगाते हैं और ये देखें आप इसकी मूवमेंट में फ़र्क आया, लेकिन आई वो लेफ़्ट साइड पर ही है। तो उम्मीद है कि आपको लेफ़्ट और राइट इसका समझ आ गया होगा। ये आप राइट बैक स्पिन करके देख लेते हैं इस साइड पे। ये देखें आपकी मूवमेंट राइट साइड पर ही हुई है लेकिन काफ़ी चेंज हो गई है मूवमेंट। अपोजिट साइड पे जो ऊपर वाली साइड होती है उस पर इसका सारा उलट होगा, वो भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। टॉप लेफ़्ट स्पिन हम यहाँ पर लगा रहे हैं लेकिन इनकी मूवमेंट आप देखें तो ये राइट साइड पर हुई है। ठीक है, इसी तरीके से आप टॉप राइट साइड पे करके देख लेते हैं तो इसको ये राइट की बजाय लेफ़्ट साइड पे जाएगी। हमेशा ऊपर वाली साइड जो आ रही है वो आपकी उलट होगी। एक दफ़ा ये लॉन्ग साइड पे भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट स्पिन करता हूँ और हाफ फोर्स के साथ देखते हैं। ये देखिए, ये राइट साइड पे मूव कर रही है। इसी तरीके से नीचे वाली साइड से हम इसकी ये लेफ़्ट साइड पे थी, लेफ़्ट साइड पे मूव किया इसने, अभी राइट साइड पे मूव करके देख लेते हैं। ये राइट स्पिन मैंने किया, हाफ स्पीड लगाई और ये राइट साइड पे मूव कर गया। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड पे जो लॉन्ग एंड है वहाँ से करके देख लेते हैं। ये स्पिन मैंने लेफ़्ट साइड पे किया, इस पर हाफ पावर लगाई और ये लेफ़्ट साइड पे मूव हो गया। इसी तरीके से आप राइट साइड पे मूव करके देख लेते हैं। ये राइट स्पिन किया और हाफ पावर के साथ ये देखें आप, ये राइट साइड पे मूवमेंट आ गई है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको स्पिन समझ आ गई होगी कितनी किस्म की स्पिन है। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं मैच में कि ये किस तरीके से मूव होगी। ये आपके सामने ये ग्रीन बॉल अगर मैं पॉट करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो आप इसका एंगल देखें तो ये एंगल बिल्कुल ब्राउन बॉल को जाके हिट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ी सी रिवर्स स्पिन ऐड कर देता हूँ तो ये पर्पल बॉल को हिट करके पर्पल को पॉट भी कर सकती है। बैक स्पिन ऐड मैंने किया, ये आप एंगल देखें इसका,
हैं कितना फ़र्क हुआ है। और इसने पर्पल बॉल का पॉट भी कर दिया। इसी तरीके से अब अगली एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में ब्लू बॉल में पॉट करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो ऑरेंज हमारी हाफ है उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि ये हिट हो। तो इसका अगर एग्जैक्ट एंगल देखें तो ये ब्लैक और उसके बीच में जा रही है, लेकिन अगर मैं इस पर टॉप राइट स्पिन लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऑरेंज बॉल को हिट कर देगी। ये देखें आप कितना फ़र्क पड़ा। तो इस तरीके से आप स्पिन को यूज़ करते हुए मैच के दौरान यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये ब्राउन बॉल को अगर मैं पॉट करना चाहता हूँ तो इसका एंगल देखें तो ये मेरा स्ट्राइकर पॉट हो सकता है। मैं इस पर राइट स्पिन यूज़ करता हूँ तो आप इसका एंगल देखें कि ये क्यूब बॉल जो है राइट साइड पर मूव कर गई है, बजाय इसके कि स्ट्राइकर पॉट होता ये मूव कर गई है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये ग्रीन बॉल अगर मैं पॉट करता हूँ तो मेरा स्ट्राइकर जो है ब्राउन बॉल को हिट करके जा सकता है, पॉट हो सकता है ये इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इस पर थोड़ी सी टॉप राइट स्पिन यूज़ करूँ तो ये इसका एंगल बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये ब्लैक बॉल को हिट कर सकती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये ब्राउन बॉल में पॉट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके एंगल से ये ग्रीन बॉल को हिट कर सकती है और स्ट्राइकर लॉन्ग में जा सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी को भी टच ना करे, मेरा जो स्ट्राइकर है ये मूव कर जाए ऊपर की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स स्पिन करता हूँ, बैक स्पिन। ये देखें आपने इसकी मूवमेंट देखी है, ये बिल्कुल भी जो है ग्रीन बॉल को हिट नहीं की। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये ऑरेंज बॉल में पॉट करना चाह रहा हूँ लेकिन ब्लैक बॉल की पोजीशन जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है ये मुझे पॉट करने में। और अगर मैं इसको ज़ोर से फोर्स से हिट करूँ तो ये एंगल आप देख रहे हैं कि इसको ब्लैक को टच नहीं हो रही। तो मैं इस पर थोड़ी सी जो है टॉप स्पिन ऐड करूँगा, उससे आप देखेंगे कि इसका एंगल किस तरीके से चेंज होता है। ये देखें आपने देखा ऊपर जाने की बजाय ये ब्लैक बॉल को हिट कर गई है और ब्लैक बॉल अपनी जगह से एक अच्छी पोजीशन पर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप मैच के दौरान स्पिन को यूज़ करके आप अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बिला वजह की स्पिन आपने बीच में ऐड नहीं करनी है। बाज़ औक़ात आप स्पिन ऐड करते हैं और वो आपको नुकसान दे जाती है, तो बिल्कुल सोच समझ के आपने स्पिन यूज़ करनी है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पर यूज़ करनी है, एक्स्ट्रा स्पिन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये स्पिन ट्यूटोरियल जो है समझ में आ गया होगा काफ़ी आसान तरीके से। आप खुद से इसको ट्राई भी करें, ट्राई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी स्पिन जो है वो इस ट्यूटोरियल के बाद कुछ बेहतर हुई है या नहीं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।